हरियाणा में बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं ऐसे में हमें भी डेंगू से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। और डेंगू के लक्षण क्या हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा में बारिश के बाद डेंगू मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हर जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ जहां लगातार लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र कई घरों में लार्वा मिल रहा है। हर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अगर बात सोनीपत जिले की जाए तो करीब 6,231 बुखार के मामलों की स्क्रीनिंग की गई और 8 मलेरिया के 11 मामले डेंगू के सामने आए हैं। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि डेंगू के लक्षण क्या हैं और डेंगू से बचाव कैसे करें। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि डेंगू के लक्षण और उससे कैसे बचाव करें। डेंगू के लक्षण, डेंगू में 140 डिग्री फारेनहाइट का बुखार होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलना, सिर दर्द, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। डेंगू से कैसे करें बचाव? हल्दी वाला दूध नियमित रूप से पिएं, अमरूद का रस नियमित रूप से पिएं, अनार और जामुन जैसे लाल फलों का सेवन करें, प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करें, खुली बाल्टी या टंकी में साफ पानी जमा ना करें, पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी का सेवन करें। मानसून के सीजन में हर जिले में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कई जिलों के अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा कई टीमों का गठन करके छिड़काव और फॉगिंग अभियान भी शुरू किया गया है। विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही है। अभी तक 100 घरों को लार्वा के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही स्लाइड टेस्ट भी किए जा रहे हैं, पर अभी तक विभाग कर्मचारियों ने 49,100 लोगों के टेस्ट कर दिए हैं। डेंगू लार्वा की जांच के लिए 50 ब्रीडिंग चेकर और 800 आशा और ANM वर्कर्स काम में जुटी हुई है। हमारा मकसद हर खबर आप तक पहुंचाना है। देश प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें।